असलम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुदूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 1.4 और 1.6 को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को जी स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1.4 एंड एग्जाम्पल 1.6 को स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.4 पॉइंट एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें एक फॉर्मूला गिवन होगा और हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वन पॉइंट फोर को इसकी स्टेटमेंट को रीड करने से चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय एम वेयर v इज द स्पीड

and we have to prove that this formula is dimensionally correct the formula is v which is speed of transverse wave is equal to square root f which is the tension multiplied by l which is the length of the string divided by m which is the mass स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमारी नेक्स्ट और फाइनल हेडिंग होगी सोल्यूशन की बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सोल्यूशन हम इस फॉर्मूला को इक्वेन वन का नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स अगर इक्वेन वन की लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव और स्टूडेंट्स स्पीड की डायमेंशन की बात की जाए तो स्पीड की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए जो के हैं एल टी माइनस वन स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइनल डायमेंशन होंगी वो होंगी एल टी माइनस वन विच आर द डायमेंशन ऑफ स्पीड नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को सोल्व करने के बाद अब हम इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेन वन की राइट हैंड साइड है स्क्वेयर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय एम तो स्टूडेंट्स क्या स्क्वेयर रूट को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते ऑब्वियसली लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट की एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है वन बाय टू द वैल्यूज विच आर इन साइड द स्क्र रूट विल रिमेन एज इट इज एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाई एम नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे अब हम सिंपली इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड में फोर्स की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन और मैथ की डायमेंशन को पुट करेंगे स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर एम एल टी माइनस टू अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है मास और मास की डायमेंशन है कैपिटल एम बट देयर इज द एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू वन बाय टू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में एम और डिनोमिनेटर में एम एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे बट न्यूमिनेटर में दूसरे एल से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल आएगा एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क् टी रेस टू पावर माइनस टू विल रिमेन एज इट इज और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज की होल पावर क्या है वन बाय टू स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज को फर्दर सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि दिस एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू वन बाई टू यह पावर एल स्क्वेयर की भी होगी और टी माइनस टू की भी तो दोनों के एक्सपोनेंट को सेपरेट करने से वन बाय टू एल स्क्वेयर के पास भी जाएगा और वन बाय टू टी स्क्वेर के पास भी जाएगा तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टू टू से कैंसिल होगा ये टू भी टू से कैंसिल आउट होगा तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा एल टी माइनस वन नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि गिवन फॉर्मूला जिसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी एल टी माइनस वन के इक्वल है और इसी फार्मूला की राइट हैंड साइड भी एल टी माइनस वन के इक्वल है तो हम रिजल्टेंटली कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो स्टूडेंट्स लास्ट पे अगर हम इस एग्जाम्पल का रिजल्ट लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द गिवन फॉर्मूला और रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जाम्पल 1.4 स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.4 को डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वन पॉइंट सिक्स को तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल वन पॉइंट सिक्स की स्टेटमेंट को देख सकते हैं तो एग्जाम्पल वन पॉइंट सिक्स की स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं फाइंड द डायमेंशन एंड हेंस द हें यूनिट्स ऑफ कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा इट इज द ग्रीक लेटर ईटा इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैक फोर्स एफ फॉर अस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैक फोर्स एफ फॉर अस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग विदोसिटी वी गिवन एज एफ इज इक्वल टू सिक्स पा ईटा आर वी स्टूडेंट्स इट इज स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट में गिवन है स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि हमने कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन भी कैलकुलेट करनी है और उसके ऐसे यूनिट्स भी कैलकुलेट करने हैं बट विद हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर बी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल को विद आवर फर्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन डाटा स्टूडेंट्स अगेन एग्जाम्पल वन पॉइंट फोर की तरह आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी हम एक फॉर्मूला गिवन है जिसको हम स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स डेटा में हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे दैट इज एफ इज इक्वल टू सिक्स पाए विच इज द कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी आर वी और इस फॉर्मूला को हम इक्वेन वन का नाम दे देते हैं

किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस और ऐसे यूनिट्स चाहिए कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के और ईटा के स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हमने ईटा और कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस और ऐसे यूनिट्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यहां पर मैं एक सब हेडिंग बना रहा हूं नोट की नोट और क्लू पॉइंट स्टूडेंट्स आपने यहां पर याद रखना है सिक्स इज द नंबर पाए इज आल्सो अ नंबर तो स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम इन दोनों नंबर्स को इग्नोर कर देंगे आफ्टर इग्नोरिंग दीज टू नंबर्स तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी तो स्टूडेंट्स अगेन इस फॉर्मूले में हमारा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है ईटा कॉफिशन ऑफ विस्कोसिटी तो यहां पर हम ईटा को सेपरेट आउट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आर रेडियस एंड स्पीड वी और वेलोसिटी वी दोनों ईटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे तो ये फोर्स से डिवाइड होंगे तो फाइनली ईटा का फॉर्मूला आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय आर वी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम इक्वेन टू का नाम दे सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू पुट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स रेडियस एंड विलोसिटी इन इक्वेयन टू टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन टू में फोर्स की डायमेंशन सबसे पहले पुट करेंगे और फोर्स की डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस टू डिनोमिनेटर में हम रेडियस की डायमेंशंस को पुट करेंगे स्टूडेंट्स रेडियस क्या है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कम तो स्टूडेंट्स रेडियस भी तो डिस्टेंस ही है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स रेडियस और वेलोसिटी तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को इक्वेशन टू में पुट किया है अब हम देखेंगे कि कौन सी डायमेंशन मल्टीप्लाई और कौन सी डिवाइड या फिर कैंसिल हो रही है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डायमेंशन को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डायमेंशन को हम डिनोमिनेटर में किसी भी एल के साथ लेफ्ट वाले एल के साथ या राइट right वाले एल के साथ किसी के साथ भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एल एल से कैंसिल हो गया नाउ न्यूमिनेटर में टी की पावर है माइनस टू डिनोमिनेटर में टी की पावर है माइनस वन तो स्टूडेंट्स टी माइनस वन एक टी माइनस वन से कैंसिल आउट होगा तो न्यूमिनेटर में एक टी रिमेनिंग बचेगा तो फाइनली जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, अगर हम उनको लिखें तो स्टूडेंट्स आफ्टर कटिंग रिमेनिंग वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर में एम टी माइनस वन एंडर सिर्फ एक वैल्यू रिमेनिंग है शिफ्ट करते हैं तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स का एक्सपोनिव हो जाएगा तो फाइनली कोफिश ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस वन तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल का हम एक पार्ट सोल्व कर चुके हैं जिसमें हमने ईटा यानी कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस को कैलकुलेट किया तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द डायमेंशन ऑफ कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी अब हम कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ दिस एग्जैंपल और ये है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशनस नाउ स्टूडेंट्स अगर कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट की बात की जाए तो यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन को भी यूज कर सकते हैं और हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसको हमने इक्वेन टू का नाम दिया है टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी लेकिन स्टूडेंट्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कैल्कुलेट द ऐसे यूनिट्स ज फ्रॉम द डायमेंशन ये शॉर्टकट मेथड है अगर हम इक्वेशन टू यूज करेंगे हम यूनिट्स तो कैलकुलेट कर लेंगे बट दिस मेथड इज लिटिल बिट लॉन्गर तो अगर हम डायमेंशन के अंदर ही यूनिट्स की वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट्स किसके इक्वल आते हैं जी स्टूडेंट्स अगर डायमेंशंस के फाइनल रिजल्ट को हम देखें कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कि M किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है तो आप कहेंगे mass की तो तो अगर मैं आपसे करूं कि का ऐसा यूनिट क्या है तो आप कहेंगे सर, kilogram, kg. और अगर L की बात की जाए L किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है ऑब्वियसली लेंथ की और लेंथ को किस ऐसे यूनिट में मैर किया जाता है मीटर लेकिन डायमेंशन के अंदर एल का एक्सपोनेंट क्या है माइनस वन तो वही एक्सपोनेंट हम यहां पर मीटर का भी लेंगे और फाइनली टी किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है टाइम की और टाइम को किस यूनिट में मेजर किया जाता है इट इज सेकेंड और डायमेंशन के फॉर्मूला में देखा जाए तो टाइम का एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स माइनस वन तो यहां पर सेकेंड का एक्सपोनेंट भी क्या होगा माइनस वन तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से एस यूनिट्स को कैलकुलेट किया है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की ना सिर्फ डायमेंशन को कैलकुलेट किया बल्कि हमने कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के एस यूनिट्स को भी कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी चैप्टर वन में आपके लिए एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी लेकिन आप इसको ब्रीफली चैप्टर सिक्स में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस मेथड में हमने कोफिशेंट विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि हम यूनिट्स को फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वट इज द सेकेंड मैथड स्टूडेंट्स फॉर्मूला की मदद से यूनिट्स निकालने के लिए जिस तरह से हमने इक्वेशन टू में फोर्स रेडियस और वेलोसिटी की डायमेंशन को पुट किया है सिमिलरली हम इसी फार्मूला में इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को पुट करेंगे जिस तरह से फोर्स का यूनिट है न्यूटन रेडियस का यूनिट है मीटर वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और अगर हम फोर्स के बेस यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है न्यूटन किन बेस यूनिट से मिलकर बना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज मौजूद है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मीटर स्क्वेयर एस माइनस वन तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमोनेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट्स को कैंसिल करने के बाद अपने फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं तो so स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक मीटर से कैंसिल होगा एस माइनस वन मीन एक सेकेंड न्यूमिरेटर में एस माइनस वन से कैंसिल होगा और एक एस माइनस वन रिमेनिंग बचेगा तो स्टूडेंट्स आफ्टर कटिंग हम रिमेनिंग वैल्यूज को लिखते हैं न्यूमिरेटर में रिमेनिंग यूनिट है के जी एंड एस माइनस वन और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग यूनिट है ओनली मीटर तो जब इस मीटर को भी हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा किलोग्राम पर पर मीटर तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है सेम तो स्टूडेंट्स कोफिश ऑफ विस्कोसिटी के फाइनल क्या हुए किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड चाहे आप मेथड वन को देखें या मेथड टू को देखें हमारा फाइनल आंसर क्या है सेम लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आपने डायमेंशनल फॉर्मूला से ऐसे यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं ना कि फॉर्मूला की मदद से जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल 1.4 एंड एग्जाम्पल 1.6 दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज